अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज समी अलाउद्दीन एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड हमने कुछ टॉपिक स्टडी कर लिए हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर में, उसे थोड़ा रिवाइज करते हैं और फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, राइट? अच्छा, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ऐसे डिफाइन किया था कि इट इज़ एक्चुअली द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, राइट? यानी जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास होती है तो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि उसके कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है, राइट? हमने ये देखा कि जब हम स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट को पास करते हैं तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स। और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, अगर स्ट्रेट कंडक्टर है उसको राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो कर्लिंग फिंगर है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, जो इरेक्ट थंब है वो करंट की डायरेक्शन में होगा, ठीक। फिर हमने कहा था कि अगर हम कंडक्टर की शक्ल को तब्दील करते हैं, यानी उसको वोंड करते हैं एक सिलेंडर के ऊपर, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप देते हैं, इस तरह का एक टुकड़ा लेते हैं आयरन का, तो स्ट्रेट आयरन का टुकड़ा होगा, उसके ऊपर ऐसे कंडक्टर को वोंड करते हैं, लपेटते हैं, तो फिर वो जो हमारे पास कंडक्टर की शेप बन जाती है उनको हम लोगों ने नाम दिया था सोलेनाइड का, राइट? तो उसमें से भी हम लोगों ने करंट पास की थी, तो अब जाहिर सी बात है उसमें से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। उसमें से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई थी, ठीक। हमने उस कॉइल को या सोलेनाइड को नाम दिया था कि ये एक बार मैग्नेट के तौर पर काम करता है। क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स थी वो पैरेलल थी, नज़दीक थी, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे स्ट्रॉन्ग थी। जो बाहर की तरफ का एरिया था वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक था, ठीक है, लाइन्स ऑफ फोर्स कम पास हो रही थी। और फिर हमने कहा था कि जब हम एक ऐसे कंडक्टर को जिसमें से करंट पास हो रही है उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वो एक फोर्स फील करेगा, इट मींस कि वो मूव करेगा उस मैग्नेटिक फील्ड में, राइट? वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? जाहिर सी बात है कि वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मूव करेगा। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स को कैसे फाइंड आउट किया? हमने फ्लेमिंग की लेफ्ट हैंड रूल की मदद ली थी, उसमें हमने कहा था कि हम लेफ्ट हैंड के जो हमारे थ्री फिंगर्स होते हैं, फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब, म्यूचुअली परपेंडिकुलर इसको स्ट्रेच किया था। और हमने कहा था कि जो मिडल फिंगर है वो अगर करंट को डिनोट कर ले, जो हमारा फोर फिंगर है या इंडेक्स फिंगर है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो तो थंब जो है हमें करंट की डायरेक्शन, राइट? सपोज कि करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो ये मिडल फिंगर जो है करंट की डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अगर लेते हैं तो ये जो इंडेक्स फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, जो थंब है वो हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगा। इट मींस कि अगर किसी कंडक्टर में से करंट ऐसे फ्लो कर रही हो तो वो ऊपर की जाने फोर्स फील करता है, ठीक। आज के रोटेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में उस कंडक्टर पर एक्ट करेगी, ठीक। तो ये सारी कहानी थी कि करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते हैं तो उससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। सिंपल मैं ये बता सकता हूँ आप लोगों को, जितने भी हम टॉपिक पढ़े पिछले इस यूनिट के, राइट? आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक। ये बात सोची गई कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते हैं या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं किसी कंडक्टर में तो उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को छेड़ेंगे या उसको चेंज करेंगे किसी भी तरीके से, ठीक है, वो बताएंगे आपको किस तरीके से, तो क्या उसके चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जा सकता है? तो ऑब्वियसली बिल्कुल पैदा किया जा सकता है, ऐसा सोचा गया और एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को देखा गया और साबित भी किया गया, ठीक है, सदियों पहले। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट है असल में वो है कि जब हम
इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें करंट मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कंसेप्ट है इंडक्शन का, वो है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड वजूद में आ जाती है, राइट। तो ये अगर मैं आप लोगों को शॉर्टकट बताऊं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इससे आप लोगों ने सिंपली क्या कैसे याद करना है, देखिए अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये चेंज होगा, इससे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, देन दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। राइट, सिंपल अगर हम लिखना चाहें, कंसेप्ट को जेहन में रखना चाहें, इसका इन्वर्स लो कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, दिस इज फॉर चेंज, तो उससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, राइट, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन असल में क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेड़ेंगे तो उसके चेड़ने से हमारे पास कंडक्टर में से करंट पास होगा, जब करंट पास होता है लाजमी बात है ईएमएफ मौजूद है, ठीक, तो उसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वजूद में आ गई है। तो हम इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऊपर बता दिया आप लोगों को। ठीक है, ये बात सोचेगी कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो इससे क्या होता है, इसके लिए क्या किया गया, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम फेराडे था, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक, फेराडे का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, फेराडेज एक्सपेरिमेंट, राइट, फेराडे का एक्सपेरिमेंट क्या है भाई, वो ये है कि फेराडे ने क्या किया, एक बार मैग्नेट लिया जिसका ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल था, ठीक है, और इसको करीब लाया एक क्वाइल के, दिस इज गैल्वेनोमीटर। ठीक, अब गैल्वेनोमीटर को अगर मैं यहाँ पर एक सुई दूँ ऐसे थोड़ा बड़ा करके आपको नज़र आ जाए, ये निडल है गैल्वेनोमीटर का, ठीक, दिस इज जी फॉर गैल्वेनोमीटर। उसने क्या देखा, उसने ये देखा डियर स्टूडेंट्स कि जब हम इस मैग्नेट को ऐसे करीब लाते हैं, इस क्वाइल के करीब लाते हैं, ठीक, इसमें करंट नहीं है, तो हम क्या देखते हैं, तो ये जो गैल्वेनोमीटर का निडल है या पॉइंटर है वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती, ठीक, ऐसे मूव करते ऐसे, फिर जब बार मैग्नेट को पीछे की तरफ मूव करते तो फिर वो इस जानब डिफ्लेक्ट हो जाती। इट मीन्स कि अगर ये डिफ्लेक्शन दे रहा है तो इसका मतलब ये है इस कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक, अगर ये डिफ्लेक्शन नहीं देगा तो इसका मतलब ये है कि इस कंडक्टर में करंट कितना है, जीरो, राइट, तो अगर ये डिफ्लेक्शन दे रही है इट मीन्स हम इसको मूव करेंगे। उसने क्या किया, उसने जब इसको ऐसे मूव किया तो ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, यानी गैल्वेनोमीटर का जो निडल है या पॉइंटर है वो इस तरफ शिफ्ट हो गया फ्रॉम दिस पोजीशन। फिर इस बार मैग्नेट को पीछे की तरफ ले गया, फिर ये यहाँ से यहाँ तक आई, ऐसी थी ऐसे मूव हो गई, ठीक। तो जब उसने मैग्नेट को टुवर्ड्स द क्वाइल मूव किया तब भी करंट प्रोड्यूस हुआ, फिर अवे फ्रॉम द क्वाइल उसने मूव किया तब भी करंट प्रोड्यूस हुआ, ठीक। तो उसने ये कहा कि हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है इसे थोड़ा समझते हैं, ठीक। देखें, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक मैग्नेट है, ये साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल है, राइट, तो ये मैग्नेट क्या करता है, ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स निकालते हैं, ठीक है, ऐसे निकालता है कि नहीं निकालता है, बिल्कुल निकालता है, ठीक। तो इससे लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब ये लाइंस यहां पर भी होते हैं, ठीक है, ऐसे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये
ये टच नहीं करते एक दूसरे को, ठीक है। इस बात का ख्याल रखें, ये लाइंस ऑफ फोर्स जो है एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे होते हैं। अब अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है, चेंज से क्या होगा, देखो चेंज को समझना है आप लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं एक एरिया रखता हूँ, एक कंडक्टर ऐसे रखता हूँ, तो देखिए आपको नज़र आ रहा है इसमें से वन टू टू लाइन्स पास हो रहे हैं, ठीक है। अगर इसको मैं करीब लाता हूँ यहाँ पर, तो अब क्या होगा, अब इसमें से वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव लाइन्स पास हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज है इस पोजिशन पर और इस पोजिशन पर, ठीक है। कॉइल को यहाँ से यहाँ मूव किया, हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, कैसे पता चला भाई, देखिए यहाँ एक दो लाइन पास हो रही थी, यहाँ पर पांच लाइन पास हो रही, इट मीन्स हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं। तो बिल्कुल यही केस यहाँ पर भी है, देखो ये जो लाइंस निकल रहे हैं ऐसे, इसको मैं रेड से बना लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए ऐसे, ठीक है। ये वाले जो लाइंस हैं आपको नज़र आ रहे हैं ऐसे, जब क्वाइल साकिन था रेस्ट की हालत में, इस बार मैग्नेट को मूव किया इसके तरफ, ये जो इसके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से ऐसे पास हो गए, ठीक। जब पास हो गए तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। तो जितना ये मूव करता जा रहा है, जहां तक ये मूव करेगा, तो वहां उस वक्त तक ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में से चेंज हो रही है और गैल्वेनोमीटर मुसलसल हमें डिफ्लेक्शन देगा, इट मीन्स कि इसमें करंट प्रोड्यूस हो रही है। फिर क्या किया, फिर इस मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल मूव किया, यानी जब इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे तो पीछे की तरफ क्या होगा, ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है इसमें से निकलेंगे, जब निकलेंगे तब भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर 10 लाइन पास हो रहे हैं तो पीछे ले जाएंगे तो इसमें से 5 रह जाएंगे, इसमें से वो निकल रहे हैं, जब निकल रहे हैं तो इट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तब भी डिफ्लेक्शन शो होगा, ठीक। तो इस एक्सपेरिमेंट से फैराडे ने कहा कि भाई हम मैग्नेटिक फील्ड को जब चेंज करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मुराद है, देखें यहाँ पर अगर करंट मिल रही है तो उसका मतलब है कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा तो करंट ज़ीरो होगा। ये कभी भी नहीं हो सकता है कि किसी पॉइंट पर या किसी दो पॉइंट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, वहाँ पर करंट हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो जब इस कॉइल में करंट आ रही है, इसका मतलब ये है ये जो कंडक्टर के ये दो पॉइंट से इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रही है, ठीक। और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग नाम देते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि आप लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं थ्रू द कॉइल, तो उससे क्या होता है, EMF प्रोड्यूस हो जाती है। जहाँ पर EMF होगा वहाँ पर आपको करंट मिलेगा, ठीक है। तो इस हम करंट की बात नहीं करेंगे, हम सिंपल कहेंगे कि व्हेन वी चेंज द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू अ कॉइल देन वी गेट द करंट इन दैट कॉइल व्हिच इज फाइंड आउट बाय द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया। अच्छा, ये भी देखा गया कि अगर ये रेस्ट में है, हम मैग्नेट को मूव करेंगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, ठीक। अगर हम ये करें कि मैग्नेट को रेस्ट में रखें और क्वाइल को मूव कर दें, तब भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज होंगे, तब भी EMF प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तीसरी ये बात भी थे कहा गया कि जब हम दोनों को मूव करेंगे, यानी बार मैग्नेट को भी मूव करेंगे और जो हमारा क्वाइल है उसको भी मूव करेंगे, राइट, तो दोनों के मोशन से भी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, EMF प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक। दैट वी कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, फैराडे का पहला एक्सपेरिमेंट यह था कि जब हम बार मैग्नेट को क्वाइल की तरफ मूव करते हैं या उससे परे ले जाते हैं या क्वाइल को
मैग्नेट की तरफ लाते हैं या उससे दूर ले जाते हैं या फिर दोनों को मूव कराते हैं, तो तीनों केसेस में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से क्या होता है, एक EMF वजूद में आ जाती है। ठीक है, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड वी गेट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। राइट, एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों ने सीखना है क्योंकि यहां पर मैं वो वर्ड यूज करूंगा और मेरे लिए आसानी रहेगी। ठीक, वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। चलो इसे ब्लैक से लिखते हैं ताकि आपको नजर आ जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जब हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के रास्ते में एक क्वाइल रखते हैं या एक एरिया रखते हैं, तो उस एरिया में से यूनिट टाइम में जितने नंबर ऑफ लाइंस पास हो रहे होते हैं, दैट वी कॉल मैग्नेटिक फ्लक्स। राइट, यानी द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। राइट, किसी भी एरिया में से जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होती है तो वो क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स। सपोज ये एक एरिया है, ठीक है, एरिया आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पर अगर ये पांच मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, मेरा हाथ आप इमेजिन कर लिए कि एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट है तो उसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगे। देखिए ये एरिया है, इसमें से सपोज ये पांच लाइन पास हो गए ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो हम कहेंगे कि ये फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को एक कंडक्टर में से पास करेंगे, जिस तरह ये पहले किया। देखे कि ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ये इस क्वाइल में से गुजर रहे हैं, क्वाइल में जितने भी टर्न्स हैं, देखो ये क्वाइल का एक टर्न है, इस तरह के बहुत सारे टर्न्स, हर एक टर्न का एक एरिया होता है, ठीक है, इस एरिया में से पास हो रही है, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर फ्लक्स मौजूद है, मैग्नेटिक फ्लक्स मौजूद है। ठीक है, सो इसको मैं ऐसे बयान कर सकता हूँ, फैराडे का जो लॉ है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस थ्रू एन एरिया देन वी गेट EMF। ठीक है, तो उससे हम EMF को गेन करते हैं। अब फ्लक्स का एग्जांपल मैं ये ले सकता हूँ, सपोज ये एक यूनिट एरिया है, ठीक, दिस इज यूनिट एरिया ए, इसमें से नंबर ऑफ लाइंस को पास करेंगे ऐसे, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, अगर यहाँ पर एक बड़ा सा हमारे पास बार मैग्नेट है तो इसमें से लाइंस जो है वो ऐसे पास होते हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मैक्सिमम पास होंगे एक एरिया में से, ठीक है, जब उसको हम परपेंडिकुलर रखते हैं टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पास होंगे। ये एरिया है, इसको मैं ऐसे आपको समझा सकता हूं कि ये अगर डस्टर है, ये डस्टर, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे पास हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको ऐसे रखेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पास होंगे। अब इसको अगर ऐसे रखेंगे तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस पास होंगे इसमें से। ठीक, तो ये जो एरिया है इसको अगर हम लोग परपेंडिकुलर रखेंगे, तो परपेंडिकुलर से मुराद क्या है कि ये जो हमारे पास एरिया बनता है इसका डायरेक्शन ये है, उस तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ये है तो दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये मिनिमम फ्लक्स पास होगा। अगर इसको ऐसे कर ले तो जो एरिया है उसकी डायरेक्शन ये बनेगा, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर हम ऐसे पास करना चाहते हैं, नॉर्थ पोल या सम कंसिडर कर ले, साउथ को या कंसिडर कर ले, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या ऐसे गुजरेंगे। तो एरिया और जो मार्कर हैं, जो नंबर ऑफ लाइंस हैं, उनमें से जो है
मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा, ठीक है। एरिया मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के सामने रखेंगे तो ज़्यादा फ्लक्स पास होगा, नंबर ऑफ लाइन्स पास होंगे, और अगर ऐसे रखेंगे तो इस एज में से पास होंगे, इस एरिया में से पास नहीं होंगे, हम कहेंगे कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ पे ज़ीरो पास हो रहे हैं, एरिया में से तो पास नहीं हो रहे हैं, देखें इसके साइड पर लग रहे हैं। अगर ऐसे करते हैं तो ये इसके एरिया में से पास होगा, ठीक है, यानी एरिया को अगर पैरेलल रखे मैग्नेटिक फील्ड के या एंटी पैरेलल रखे तब मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स पास होंगे इसमें से, ठीक है। ये एक छोटा सा कंसेप्ट था मैग्नेटिक फ्लक्स का। फैराडे का एक्सपेरिमेंट हम ये कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, अगर मैं लिखना चाहूँ इसको यहाँ थोड़ा सा लिखते हैं आप लोगों के लिए, या यहाँ लिखते हैं, चलो ठीक है भाई, यहाँ देखें कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्सपेरिमेंट व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द कॉइल, ठीक है, कि जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, पास करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा, दैट वी कॉल फैराडे एक्सपेरिमेंट। फैराडे ने एक्सपेरिमेंट से एक और बात भी हमें बताई, ठीक है, वो क्या था, उसने बताया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ये जो है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक, चले लिखते हैं उसको, थोड़ा फिर समझते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज या टाइम रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, ठीक, कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, यानी इनो टाइम में जितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा तो ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा, यानी ज्यादा करंट मिलेगा। अगर इनो टाइम में कम नंबर ऑफ लाइंस चेंज होते हैं, कम मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो कम इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, यानी कम करंट मिलेगा कंडक्टर में से, ठीक। ये एक्सपेरिमेंट किया, उसमें से दो रिजल्ट हमें बताए कि भाई मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होगा कम प्रोड्यूस होगा ये किस बात पे डिपेंड करता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा तेजी से चेंज होगा या ज्यादा चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज्यादा होगा, कम होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कम मिलेगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक। तो एक होता है डिपेंडेंट फैक्टर्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो भी पढ़ते हैं, फिर छोटे से टॉपिक पे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, राइट, कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है फैराडे ने कहा इसके मुताबिक, ठीक है, ये ज्यादा होगा कम होगा डिपेंड करता है कितने फैक्टर्स पर, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको मैं इससे डिनोट कर सकता हूँ, ईएमएफ से डिनोट कर सकता हूँ, नो मैटर, इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, राइट, या इसको अल्फाज में लिखे तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि जो ईएमएफ है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा, ईएमएफ इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, यानी कॉइल के नंबर जितने ज्यादा होंगे, जितना ज्यादा लंबा कॉइल होगा, जितने ज्यादा इसमें टर्न्स होंगे, यानी ये इसको टर्न कहते हैं, ये जो हमारा है ये एक टर्न है, ये दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, चौथा टर्न। कॉइल के टर्न्स जितने ज्यादा होंगे उतना इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करने का इम्कान ज्यादा होगा, राइट। तीसरी बात उसने कहा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्पीड, यानी आप कॉइल को मूव करो टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट को मूव करो टुवर्ड्स द कॉइल, या दोनों को एक दूसरे के करीब लाओ या एक दूसरे से दूर ले जाओ, ठीक है। तो तीनों केसेस में अगर स्पीड ज़्यादा होगा तो फील्ड तेज़ी से चेंज होगा, तेज़ी से चेंज होगा तो ईएमएफ भी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जब प्रोड्यूस होती है, हमने कहा था शुरू में कि जब हम मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करते हैं तो डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में होता है, जब मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल मूव करते हैं तो डिफ्लेक्शन ऐसे होती है गैल्वेनोमीटर की, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होना गैल्वेनोमीटर का, इस डायरेक्शन में होना या क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, मींस दो डायरेक्शन मिलेंगे कि जो करंट मिलता है वो दो डायरेक्शन में मिलेगा, या तो इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा। अब करंट की डायरेक्शन कैसे होगी वायर में, यानी जब इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा उसकी वजह से जो करंट मिलेगा वो करंट कंडक्टर में किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट किया था लेंस ने, ठीक है। तो उसके लिए हम लेंस ला पड़ेंगे और वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, बड़ा आसान है। उसमें हम ये जानेंगे कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो उससे जो करंट प्रोड्यूस होती है उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, राइट। तो आज के लेक्चर का थोड़ा सा मैं आपको समरी दूँ, बड़ा आसान क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक फिनोमिनन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाता है, उसकी मदद से हम इंड्यूस्ड ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को क्रिएट करते हैं। जहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा वहाँ पर करंट मिलेगा, तो हम कह सकते हैं सिंपली कि हमें इंड्यूस्ड करंट मिलेगा, ठीक। इंड्यूस्ड करंट कैसे मिलता है, फेराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, डायग्राम में भी आप लोगों ने देखे हैं। तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा नेक्स्ट टॉपिक होगा विद द हेल्प ऑफ लेंज़ लॉ। तो मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। मजीद बढ़ते रहिए, मजीद किताबों को पढ़ते रहिए, समझते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।